पहले अपनी गांड इधर लाओ, बिछवाड़ा इधर लाओ, जरा भेजो तुम लोग जो कह रहे हो प्राउड ऑफ यू बॉयज, प्राउड ऑफ यू अंडर 19 के लड़कों को। मैं जो लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कब उठाई थी, 2009 में यूनुस खान, वो भी T20 का वर्ल्ड कप था। मादर खुद बताओ, ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप की अंडर 19 की ट्रॉफी पाकिस्तान के कितनी अहम थी। अबे हिंदुस्तान से सीखो, मतलब ये वही टीम है जो कि 5 दफा लगातार सेमीफाइनल फाइनल में गई है, नॉट इन द सेमीफाइनल। वैसे तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो इस टीम ने टोटली जो है यहां पर 9 दफा फाइनल में जगह बनाई है, 9 दफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी भी टीम से सबसे ज्यादा, 9 दफा इंडियन टीम फाइनल में पहुंची, और लगातार ये जो अभी पहुंचे हुए ना, ये 5वीं दफा जो है यहां पर फाइनल में पहुंचे हुए हैं। और हमारी पाकिस्तान की टीम पता नहीं कर क्या रही है भाई, चाहे आप सीनियर को उठा लो, जूनियर को उठा लो, हर तरफ से यार पाकिस्तान के लौड़े लगे पड़े। क्योंकि खुद सोचो जरा, इन लोग की लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। फिलहाल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। भाई साहब आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई हम डिजर्व कर, हमारी इतनी चूतिया टीम हो चुकी है, हम इतनी घटिया क्रिकेट खेलते हैं भाई, दुनिया हम पे थूकती है, हम पता नहीं क्यों अपना मुंह लेकर किसी भी क्रिकेट के टूर्नामेंट में चले जाते हैं। यकीन करो पिछले 6 या 8 महीनों से हमने जीत का नामो निशान देखना छोड़ दिया भाई, कोई खुशी का लम्हा आता नहीं है। एक श्रीलंका वाली सीरीज हमने जीती थी टेस्ट की, वो भी पता नहीं कैसे अल्लाह अल्लाह करके जीते। उसके बाद एशिया कप उठा के देख लो, वर्ल्ड कप उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज उठा के देखो, न्यूजीलैंड सीरीज उठा के देखो, हर तरफ से हमें लानतें पड़ रही हैं, ऑन अ सीरियस नोट हर तरफ से पाकिस्तान को लानतें पड़ रही हैं। और बच्ची कुची लानत यहां पर जो लोग कह रहे ना, प्राउड ऑफ यू अंडर 19, प्राउड ऑफ यू अंडर, मेरे लोल का प्राउड ऑफ यू, भैंचो जिस टीम के जो मेंटोर है वो इस जैसे होंगे, क्योंकि खुद बताओ अगर मेंटोर इस जैसे होना तो भाई यहाँ से शुभमन गिल, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर निकल के आते हैं। हमारे मेंटोर इतने थर्ड क्लास है, हमारी सीनियर टीम इतनी वाहियात और बदबूदार, सीरियसली बदबूदार टीम है हमारी। उसके अंदर से आपको लगता है कि भाई विराट कोहली निकल के आएगा, उसके अंदर से आपको लगता है कि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर है वो निकल के आएंगे, भाई नहीं आ सकते। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा टैलेंट है ही नहीं, लिटरली पाकिस्तान के क्रिकेट जहन्नम से बदतर होती जा रही है भाई, ये जहन्नम में जाने वाली टीम है। इस टीम से आप कोई उम्मीदें मत रखो कि भाई ये टीम जो है बड़ी वर्ल्ड कप जीत के हमको देगी। अभी यहाँ पर इनके अंडर 19 लेवल पर ये हाल है, खुद सोचो। कहते हैं हमारी बॉलिंग लाइन माशाल्लाह, उबैद शाह और पता नहीं जीशान अली रजा और ऐसे ऐसे बॉलर हमने निकाले हैं जो कि किसी भी सामने वाली टीम को 200 से ऊपर नहीं जाने। भैंचो तुम खुद ही नहीं, कितनी दफा 200 से ऊपर गए हो, मतलब अगर तुम्हारी बॉलिंग अच्छी है तुमने बैटिंग को बिल्कुल ही लन पे चढ़ा ले, क्योंकि भाई बैटिंग लिटरली पाकिस्तान की बेड़ा गर्क है भाई, बेड़ा घर के। एक बार भी पाकिस्तान की टीम मुझे याद नहीं आ रहा है कि 200 से ऊपर गई हो इस वर्ल्ड कप के अंदर, 5 दफा ऑपोजिशन को 200 से नीचे पे आउट किया है, लेकिन भाई खुद तो नहीं कर सके ना। और फिर भी मैं आपको ये बता दूं, जब सामने वाली टीम ही 180-190 पे आउट हो जाएगी, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लन 200 करेगी, जाहिर सी बात है कि भाई ऑब्वियसली पाकिस्तान की औकात ही नहीं है 200 से पार करना। आज भी यहां पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करके इंतहाई वाहियात बदतरीन बैटिंग की, 172 रन दुनिया, मैं कहूंगा ये तो ऑस्ट्रेलिया वाली थी, यहां पर युगांडा की टीम होती ना वो भी चेस कर जाती। तुम लोग कहते हो यंगस्टर ने हमारे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, प्राउड ऑफ यू यंगस्टर, मेरे लोल का प्राउड ऑफ यू, कोई प्राउड मोमेंट नहीं है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकला हुआ है, आप लोग को अपने प्राउड मोमेंट और इन सब चीजों की पड़ी हुई है, लिटरली जनाजा निकला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। लोग कहते हैं कि भाई गाली ना दो, भाई कैसे ना दे यार, हमारी हमारे का दिमाग नहीं, हमको जीत पसंद नहीं है भाई, हम नहीं चाहते कि कोई टीम जीते। बांग्लादेश को हराकर सेलिब्रेशन देखते हैं कि ऐसे जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लियो, मैं जो बाप को हराते ना ऑस्ट्रेलिया को, दुनिया क्रिकेट के नंबर वन ऐसे नहीं है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम भी कमाल कर रही है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम भी कमाल कर रही है। और अभी इंडियन ऑस्ट्रेलिया जो है, मैं खुद बताओ अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसका रिपीट आपको देखने को मिल रहा है 2024 में, जहां पर इंडिया इंशाल्लाह हराएगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि खुद सोचो कि भाई उनके लड़कों में जान, वो जब लड़के खेलते हैं, अब खुद सेमीफाइनल में जिस तरीके से लड़कों ने जान लगाई थी, 2 विकेटों से जीता था, तो भाई सचिन ने कोई 96 रन मारे थे मेरे ख्याल से, उसके अलावा जो है उनका वो मुशीर खान एक नए लड़के निकल कर आए हैं, भाई लड़कों में दम नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि वाकई में कोई टैलेंट है। हमारे बैट्समैन इंतहाई चूतिया गैरी के बैट्समैन है भाई, कौन कहता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं बोलूंगा इनको आना ही नहीं चाहिए भाई। ये तुम लोगों ने पता नहीं कौन कौन से लड़के रखे हुए हैं जिनको बस लीग क्रिकेट खिला लो जी, इनसे जो है वो डोमेस्टिक में रन बनवा लो, इंटरनेशनल में जाता है ये टट्टी निकल जाती है। यानी कि हमारे इंटरनेशनल में, क्योंकि पहले हमने आइडियल ऐसे बनाया ना, लोगों ने बनाया हमारा आइडियल रोहित शर्मा, लोगों ने बनाया हमारा आइडियल KL राहुल, विराट कोहली, और हमने कौन से आइडियल बनाए हैं जिनके ऊपर लानत भरी पड़ी है भाई, कभी चलते 15 इनिंग के अंदर फेल होके 1 इनिंग में चल जाते हैं, तो भाई हमारे बाबर आजम, हमारे फखर जमान, हमारे मोहम्मद रिजवान, ये हमने जो है अपने आइडियल बनाए हुए हैं। अबे भाई इन्हीं आइडियल ने तुम्हारी टीम को बर्बाद किया है, ये जो आइडियल तुम लोगों ने बनाया है ना, यही आइडियल है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर 19 का बेड़ा गर्क किया है। आज तुम स्टेडियम में चले जाओ, मतलब खुद सोचो, पहले जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लड़के छक्के वक्के मारने के शौकीन थे, जब वो शाहिद आफरीदी वगैरह को फॉलो करते थे, इमरान नजीर को फॉलो करते थे, आजकल के मतलब खुद सोचो
अजीब उन लोग को डिफेंस का जो है इन शौक चढ़ा हुआ है भाई, कहते हैं भाई हम डिफेंस करते हैं क्लासिक लगता है, माँ का भोजना लगता है भैंचो, इतने घटिया तुम लोग की ये क्रिकेट हो गई है पाकिस्तान की, इतनी डिफेंसिव वाहियात क्रिकेट, 172 रन तुम वनडे में कर रहे हो और हमारी माशाल्लाह ये इतनी बड़ी टीम है इंडिया के अगेंस्ट कितने 191 किए थे, मतलब हमको वनडे के रन, हमारे वनडे में हमारी सीनियर टीम से 200 नहीं हो रहे और तुम जूनियर टीम से एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि भाई ये 200 मारेंगे, इंतहाई घटिया और वाहियात क्रिकेट है। मैं बोलूंगा सीखो भाई हिंदुस्तान से यार, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से देखो, हमारी पीसीबी पाकिस्तान का इतना बड़ा तुम लोगों ने क्रिकेट बोर्ड बनाया हुआ है कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं, खुद बताओ यार इनकी औकात है, ये अपने नए लड़कों को सही तरह जूते नहीं लेके दे सकते, वो अभी कौन था ये भाग उबैद शाह मेरे का भाग रहा था, जूता पता नहीं क्या हो गया इसका, भाई हमने अपने प्लेयर्स को सही तरह इक्विपमेंट तक नहीं दिए हुए, वो जो कुछ ब्रा जैसा पहनते हैं मतलब वो इंटरनेशनल में पहनते हैं वो इन लोग के पास नहीं है, इनकी फिटनेस इतनी आप देख लो वाहियात है, ये हमने अंडर 19 के नाम पर अंडर 23 अंडर 24 के लड़के खिलाए हुए हैं और हमको लग रहा है कि हाँ ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे भले हम जैसे भी जीते हैं, तो भाई ये आपकी वाहियात क्रिकेट की दिमाग की स्ट्रेटजी का पता चलता है, ये पाकिस्तान की बहुत ही बदबूदार और वाहियात किस्म की जो है क्रिकेट है, इस क्रिकेट को सुधारना पड़ेगा और इस क्रिकेट को सुधारने का सबसे बड़ा जरिया ये है कि अपनी सीनियर टीम को बेहतर करो, अपनी सीनियर टीम को बोलो कि थोड़ी गैरत हया खा लें, थोड़ी बहुत शर्म वगैरह खा लें, तभी पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी बहुत बेहतर होगी, वरना भाई हमारे जिस तरह के सीनियर और आइडियल हमने बनाए हुए हैं पाकिस्तान का कोई जो है यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, हर क्रिकेट हर तरीके से बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग हर चीज़ में पाकिस्तान के लौड़े लगे पड़े हैं भाई, आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया हमसे जीत गया और इंडिया क्यों लगातार 5वीं दफ़ा जो है सेमीफाइनल में पहुँचा है और क्यों 5वीं दफा फाइनल में पहुंचे, जो सेमीफाइनल हार गई दिमाग में यही अब लड़े लगे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम माशाल्लाह फाइनल में पहुंच गई, इंडिया की टीम फाइनल में पहुंच गई, हमारी टीम जी वापस आ रही है साउथ अफ्रीका से मेरा लोलो लेके आ रही है, पिछले मतलब कितने सालों से भाई दुनिया में जाकर यही चूतियां कटवाकर हम वापस आ जाते हैं और फिर हम फेसबुक के ऊपर लिख देते हैं प्राउड ऑफ यू बॉयज, मेरा लोलो प्राउड ऑफ यू यार, कितनी वाहियात इतनी थर्ड क्लास सोच है आपकी, आप खुद अबे लड़के आ रहे गांड वाण में उनके छित्तर लगाओ बोलो कि बहन के टको तुम लोग को हमने जीतने के लिए भेजा था अपनी बेइज्जती कर, तो सेमीफाइनल तक ही क्यों गए, अबे बंगालियों को जाने देते कम से कम उनके अंदर गैरत तो है, याद है 2020 का वर्ल्ड कप बंगालियों ने जीता था, याद है कि नहीं, उनके अंदर कम से कम कोई गैरत आया तो है, हमारे अंदर पता नहीं कौन सी हमने कोई बेगैरती की गोलियां खाई हुई है कि भाई कोई सोचना ही नहीं है हमने अपने क्रिकेट के बारे में, इंतहाई फारिग तरीन क्रिकेट लेकर हम बैठे हुए हैं अपने आप को बहुत बड़ी टीम कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत बड़ी टीम हो गई ये हो गई वो हो गई, लौड़े लगे पड़े हमारी टीम के, एक नंबर की थर्ड क्लास और वाहियात किस्म की टीम रह गई है हमारी पाकिस्तान की और हम कहते हैं हमारी बहुत बड़ी टीम है बहुत बड़ी टीम है, कोई टीम भी नहीं है, इस टीम का फ्यूचर डेड है भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट डेड है, भूल जाओ जिन लोग को लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कुछ अच्छा करेगी ये करेगी वो करेगी, नहीं 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 पाकिस्तान की क्रिकेट थर्ड क्लास थी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास ही रहेगी, इनसे जीतने की उम्मीद मत रखो, ये बाबर आजम मोहम्मद रिजवान जब ये कुछ नहीं कर पा रहे तो ये बच्चे क्या करेंगे, दिमाग खराब करके रखा है, बाकी तुम लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे रहा था, कमेंट सेक्शन भरो इन लोग का, और अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।